नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी, पाकिस्तानी यूट्यूबर विजिट नेक्सस लेन एलएनटी शॉपिंग मॉल इंडिया। गलत प्रोनाउंस किया हो तो माजरत। शॉपिंग मॉल है जी चंडीगढ़ इंडिया, और प्यारो राम की वीडियो है जी, और अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मंदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके अबाउट कुछ आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन बताते चलते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में हमेशा हंसते रहना, हंसना जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी जियो इस अंदाज में, जिंदगी कितनी खूबसूरत। चंडीगढ़ का सबसे बड़ा एक शॉपिंग मॉल है जिसका आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। उस मॉल का नाम है नेक्सस एलांटे मॉल। 10 लाख स्क्वायर फीट की जगह घेरे हुए ये मॉल है। 7वां बड़ा शॉपिंग मॉल नॉर्थ इंडिया का है, 10वां बड़ा शॉपिंग मॉल ये इंडिया के नंबर में आता है। 2013 में इसकी नींव रखी गई, उसमें 4 फ्लोर और एक बेसमेंट भी शामिल है। मल्टी लेवल पार्किंग। ब्रांड कौन कौन से हैं? आल्दो, बिग ह्यूमंस, बिग बाजार, द बिग शॉप, कलर्स और 275 प्लस ब्रांड इस मॉल में शामिल है। इंडिया का 3rd बड़ा शॉपिंग मॉल इसे माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको बनाया है। 275 प्लस टॉप ऑप्शन है कि इस टाइप का ब्रांड आपको इस मॉल में देखने को मिल जाएगा। 1785 करोड़ रुपए इसकी वर्थ है, 278 मिलियन यूएस डॉलर इस मॉल की रियल प्राइस है। बाकी इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लुलु शॉपिंग मॉल केरला कुची में है, उसकी वर्थ 300 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज नेक्सस एलांटे मॉल। तो चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये एक सेल्फी पॉइंट है, और देख लो इसका जो फ्रंट है वो किस तरह से इन्होंने डेकोरेट करके रखा है, एक अलग सी फीलिंग आती है। अगर आप सामने देखो तो यहाँ पे एक रोड बना हुआ है, और रोड के साथ ही आपको बहुत अच्छी सी पार्किंग देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, ये है सिक्योरिटी चेक पॉइंट। यहाँ से सिक्योरिटी होने के बाद जो है वो फिर हम अंदर जाएंगे। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे ना इंटरेस्ट में सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी वाले हमेशा मना करते हैं कि भाई आप ये वीडियो एंट्री की नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम बना के लेके आए आपको। तो यह है जी एंट्रेंस, आप देख सकते हो। अब हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रियों में कौन कौन से मॉल और कौन कौन से ब्रांड रन कर रहे हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट ले रहे आके लेके आ रहे हैं, और किस कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, और उसके अलावा लोगों को, अपने कस्टमर को ट्रीट किस तरह से ये लोग करते हैं, अदर्स कंट्री और इस कंट्री की बात करें, और ब्रांड वाले किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 माले का है ये, और इस साइड भी पॉइंट दिखाई देंगे, और ये सारे ब्रांड है। और उसके अलावा देखो, पिलर पे खूबसूरत सी LEDs इस तरह से डिजाइन करके रखी है, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए या खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। इस साइड पे भी आपको मॉल दिखाई देगा, और इस साइड पे भी आपको मॉल की दिखाई देगा। अच्छा, तो ये भाई हैं कश्मीर से। हेलो भाई, नमस्ते भाई, कहाँ से आए हैं भाई? कश्मीर से, हरियाणा की तरफ से, पंचकूला लगता है, बीच में चंडीगढ़ है, फिर उधर मोहाली है पंजाब की साइड से। अच्छा, प्राइस सिटी बोलते हैं, 3 शहर एकदम एक साथ है। अच्छा, यहाँ पे 4 गवर्नमेंट आपको, 3 गवर्नमेंट मिलेगी बेसिकली आपको मेनली, यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, चंडीगढ़ गवर्नमेंट जो है वो मिलेगी चंडीगढ़ सरकार, साथ साथ यहाँ शिमला भी नजदीक है, तो हिमाचल गवर्नमेंट भी यहाँ पे है। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो 4 गवर्नमेंट यहाँ पे आपका मतलब फैसिलिटी देने को तैयार है, तो इससे बेस्ट बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं दुनिया में है नहीं। 4 गवर्नमेंट आपको एक साथ मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है के इतनी खूबसूरती एक्सेसिंग मिल जाती है और इतना साथ मिल जाता है। शादी का चला हुआ सीजन आजकल, इसलिए ड्रेसअप लगा है। अच्छा मतलब अजय चला हुआ है। अच्छा, ये मॉल इस तरह से डेकोरेट करता कि अब किस चीज का ट्रेंड है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग थीम चलती है। ओ, अभी शादी का फेस्टिवल चलता है तो ये शादी वाला, तो इसने फ्रंट के सामने जो है इस तरह का ट्रेंड चला के रख दिया। ओ नाइस। अच्छा जी, ये तो था जी फ्रंट जो हमने आपको अभी दिखाया। अभी हमने आपको थोड़ा सा इस साइड पे लेके चलते हैं, और इस साइड पे दिखाते हैं आपको। नहीं, इस मॉल में बाइक भी बिकती है? हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। बाइक का, गाड़ियों का, होटल, फाइव स्टार सब कुछ है। अरे वाह, क्या बात है। तो गाइस ये देखो, ये मॉल नहीं आई है, ये एक इंडियन कंपनी है जावा, तो ये उनकी बाइक है। ये देखो जी, अच्छा ये मेड इन इंडिया, टोटल मेड इन इंडिया। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो
गाइज ये देखो, इन्होंने इस तरह का अपना एक मॉडल जो है वो बना के रखा है। बहुत अच्छा भाई, बहुत प्यारी जगह। दूसरी दिखाते हैं, दूसरी बाइक। तो ये देखो जी, इसका इंटीरियर आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो आप, ये भाई मेड इन इंडिया, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये जावा खुद इसकी इंजन कंपनी, भाई आप इसका इंजन चेक कर सकते हो, आप इसकी लुक चेक कर सकते हो, कमाल। कमाल है भाई, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। लगने में, देखने में और सुनने में कितना अच्छा लगता है कि यार इस तरह की प्रोडक्ट वो जो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बना भी रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता भी इसे एक्सपोर्ट भी करेगा, राइट। ब्रांड की दुकानें दिखाई देंगी अब आपको, यहाँ पे एस्केलेटर भी दिखाई देगा जहाँ पे आप इजीली ऊपर से नीचे जो है वो आ और जा सकते हैं। अच्छा अंडरग्राउंड भी है, राइट, ओ नाइस। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जी अंडरग्राउंड, तीन फ्लोर ऊपर है, तीन फ्लोर नीचे है। ये तो बहुत अच्छी सहूलत करके बना के रखी हुई है। ये स्पोर्ट्स है जो जिमिंग को पसंद करने वाले इंसान है, जिम वालों के लिए है। ये सेकंड फ्लोर पे हम जा रहे हैं, ये सारा गारमेंट्स और जो अपैरल्स का है, ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सही। इसके इस मॉल के जो थर्ड फ्लोर पे है वो बच्चों के प्रोडक्ट्स, सेकंड फ्लोर पे बच्चों के प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सही। सो इस तरफ से आप जो देख सकते हो ज्वेलरी के कुछ पॉइंट्स लगे हुए थे, और इस साइड पे कुछ कपड़ों की है, और बच्चों के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और सामने आप बड़ों के शूज़ और अलग अलग ब्रांड के शूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आप ब्रांड के नाम भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा इस साइड पे भी सेम एज ओपो साइड, साइड पे सेम रखे हुए, मतलब एक फ्लोर पे अगर एक तरीके की है तो दूसरे साइड पे उस तरीके का। अच्छा ये है फूड सेक्शन, और थर्ड फ्लोर है, लास्ट है। तो यहाँ पे जी गेम्स वगैरह होती हैं, आप सामने देख सकते हो यहाँ पे गेम्स हो रही है, और ये डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह खाया जाता है, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम्स हैं। अच्छा ये है आइसक्रीम्स, अलग अलग फ्लेवर, और ये देखो ये चलती भी है, ऐसे लोग लेते हैं बहुत। रेट दिखा दो, रेट लिस्ट। अच्छा तो ये जी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेट। और भैया ये 200-300, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100-150 दिखाइएगा एक बार भाई साहब। गाइस आप जहाँ से हो ना, वहाँ से गैस करके मुझे लिख के बताइएगा कि रेट किस तरह के देखने को मिलते हैं आप, मूवी देख सकते हैं थिएटर वगैरह ऐसे, राइट। लग्जरी थिएटर, ये टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर, आप यहाँ से कोई भी मूवी जो है वो इजीली एक खूबसूरत लोकेशन पे आके एंजॉय कर सकते हो। अच्छा और उसका टाइम और टिकट प्राइस ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिलती है। ये देखें जी कौन सी मूवी की किस टाइम है और क्या टिकट रहेगी, ये सब कुछ इस तरह से मेंशन करके दिखाई देता है हमें, सही है। और यहाँ से आप इजीली टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, और कैश दे के आप पेमेंट कर सकते हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस। मतलब मुझे तो बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही है, और कमाल सी फीलिंग आ रही है कि यार इतना लग्जरी मॉल मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये PVR भाई ये क्या चीज़ है? ये PVR एक ब्रांड का नाम है, इंडियन ब्रांड है PVR, वर्ल्ड वाइड चलता है, इससे बेस्ट क्वालिटी की मूवी, बेस्ट साउंड शायद ही किसी को होगा। अच्छा सही ब्रांड है, हर बंदा जो है ना इंडिया आना चाहता है, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस हमारे पाकिस्तान की लोगों की देखी। नाइस, ये भी प्रोवाइड करता है ये मॉल है, ये आपको। तो अगर फूडी लवर हो तो आपको एक बार यहाँ का फूडी लवर की चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। अगर आप कहते हो कि मैंने सब कुछ खाया हुआ, तो भाई यहाँ पे आप देखो क्या ये चीज़ें आपने ट्राई की है। रेड तो जो फूडी लवर है उसको रेड से कुछ लेना देना तो है नहीं। ओके अच्छा एक बार आप ना मेन्यू दिखा देते हैं, मेन्यू
मेन्यू दिखा देते हैं और रेट्स वगैरह दिखा देते हैं आपको। तो अगर आप इस साइड से आएंगे तो ये आपको रेट देखने को मिलेंगे। अगर खाया नहीं है तो एक बार खा के ट्राई करिएगा, अगर आप फूड लवर हैं देन। हेलो भाई, ये चाइनीज़ ये चाइनीज़ इसका प्राइस क्या सर? 419 में ये सब। ओह नाइस। अच्छा इसे थाली बोला जाता है। 109 ये डोसा। ओके मतलब भाई टोटल की आप ब्रांड देख सकते हो, इनके अलग अलग फूड्स की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो। अच्छा एक बार मैं ना मेन्यू दिखाते हैं आपको और अलग अलग यहाँ पे क्या प्राइस रहती है वो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूँ शेक सर मुझे तो शेक देखिए 100 रुपीज़ में है, मैंगो शेक, बनाना शेक, शेक एंड स्ट्रॉबेरी शेक, मोजीतो मोजीतो। और उनकी अलग अलग जो है ये रेट लिखे हैं। ये 4 लाख का है सूप, टमाटर टमाटो सूप लोगे 119 का, ब्रांडेड चिकन सूप 139, ये लिखा आपका ये चिकन सूप, चिकन स्वीट कॉर्न 149, चिकन हॉट एंड सोर 149, चिकन मेश चिकन सूप 140, चिकन मंचाओ। और क्या चाहिए है? हाँ के स्टॉल का ये देखो, एक एक ब्रांड तो अलग होता है लेकिन उस ब्रांड को इस तरह से सजा के दिखाना कि जैसे ये लग रही है ये रेडी है। देखो मतलब अलग ही फीलिंग आती है ये इन टायर्स को देख के, जैसे ये वो रेडी नहीं होती उस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन ये एक खूबसूरती के लिए होता है मॉल की और अच्छा लगता है इस तरह के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरह से कुछ करके, और इस तरह से कुछ करके भी आप देख सकते हो। भैया सिक्योरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बहुत अच्छी और टाइट, लेकिन सिक्योरिटी की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग सीधा अपना आते हैं और अपनी चीज़ लेके ख़रीद के चले जाते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी देखो, आपको अगर नेचर का मज़ा लेना है तो आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप पॉज करके वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। 440 में बोला था। और भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ कि हर दुकान हर ब्रांड के पास QR कोड मौजूद है। बिजनेस मीटिंग्स के लिए कॉफी हाउस है कि ओ मतलब अगर कोई डील वगैरह करनी है तो आराम से बैठ के कर सकता है। सही। सो ये है जी इसकी रूफ, और उसके बाद यहाँ पे नीचे फ्लोर आते जाएंगे इस तरह से कुछ करके, और ये देखो पौड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, आप इजीली जो है वो नीचे ट्रैवल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके जी, और अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये पुष्पा शाला झुकेगा नहीं, ये KFC का ब्रांड है ये आप देख सकते हो, और इस तरफ से भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा और कमाल का। नेक्स्ट इज अलांते मॉल। सो ये इसकी रूफ और ये इसका नीचे का फ्लोर आप इस तरह से देख सकते हो। सही है, और इस तरीके से मॉल आपको देखने को मिलेंगे। सो एक तरफ मैकडोनल्ड है इस तरह का, सही, और एक तरफ KFC है, दोनों ही टक्कर के हैं, लेकिन मैकडोनल्ड तो फिर भाई मैकडोनल्ड है। नेचर को भी खूब संभाला हुआ है इस तरह से करके। ये पिज़्ज़ा हट बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है इस तरह के। अच्छा तो ये है जी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक्सचेंज, ये बार पॉइंट है। सही है, इसका लुक आप बाहर से देख सकते हो, दीवार देखो ये दीवार है इसकी, बहुत ही अलग तरीके की। अच्छा ये ना अगर नोटिस करो तो ये एक साइन सा बना हुआ है, जैसा कि एक्सचेंज में के गिरा या ऊपर चढ़ा। सही है, तो ये इस तरफ देख सकते हो आप, और अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं
तो कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा नीचे का मंजर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये लिफ्ट का भी इजी से मज़ा ले सकते हो, ये देखो इस तरह से कुछ करके आपकी लिफ्ट चली जाती है और आ जाती है। ये गई जी नीचे, मतलब पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है अलग अलग सी। तो देखा भाई, मुझे तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छा। अच्छा जी गेम खेल रहा है अब, ये देखो ये पूरा गेमिंग जोन है भाई, ये मुन्ना भी जी गेम खेल रहा है, ये देखो। एयरलाइंस ट्रेंड्स है जूतों के लिए स्पेशल एयरलाइंस, ये टोटल यहाँ पे जूते और कपड़े हैं। एयरलाइंस ट्रेंड्स है कपड़े, लाइफस्टाइल, बच्चों के कपड़े सभी है ना, लेडीज के कपड़े, जेंट्स के कपड़े। और इधर ये रिलायंस डिजिटल है, ये डिजिटल है तो इसमें सारी डिजिटल आइटम, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन सब कुछ मिल जाएगा। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे घूम के और यहाँ के प्रोडक्ट देख के। अगर आप वॉक करते जाते हो तो बहुत ही मज़ा आता है, आपको कुछ खरीद भी सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ सब कुछ खरीद सकते हैं, रुपए होने चाहिए बस। अच्छा ये इसकी जो है वो बैक पार्ट है, अच्छा ये तो नहीं, ये बैक साइड तो इसको नहीं कहते, बैक तो चारों तरफ ही है। अच्छा ये भी एक पार्ट है इसका। अच्छा ये भी पार्ट है, ओके। ऑफिस यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे जी अच्छी सी फोटो क्लिक करवा सकते हैं आप, कपल हो तो कपल के साथ, अकेला हो तो भाई किसी और को फ़ोन दे के जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है गाइस, ये देखो और ऊपर से ठंडी भी बहुत अच्छी सी फील दे रही है। लव चंडीगढ़ का वहाँ पे देखा तो साइन बोर्ड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये देखो। और भाई ये बिल्डिंग्स, ये ऑफिस है, यहाँ पे एम्बेसी है, कनाडा की फाइल लगती है, एम्बेसी है, ये हयात रेजेंसी फाइव स्टार होटल है। ओके तो ये जी हयात रेजेंसी है और फाइव स्टार होटल, और बिल्कुल उसके साथ ही ये दूसरी अलांते ऑफिस देख सकते हैं आप। देखो जी नाइट टाइम एंजॉय करना बच्चों को कितना प्यारा लगता है। चंडीगढ़ का सबसे मॉल और इंडिया का भी सेकंड मॉल कह सकते हैं आप, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। ऑल टोटल मैंने आपको जो है इसका टूर दिया अलग अलग तरीके का। तो ये था जी हमारी आज की प्यारी सी और खूबसूरत सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, आप मुझसे बात कर भी सकते हैं। यहीं पर दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो। सो गाइज बात करते हैं कि मॉल की, और मॉल जो है वो बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ की सहूलत मौजूद है उसमें। बिल्कुल। और बाइक्स देख के तो सबके जो है वो ऊपर चढ़ गए थे, समझ गए होंगे आप, और आने बाहर आ गए थे क्योंकि बाइक्स बहुत प्यारी हैं और यहाँ पे हूँ चलाने का अपना ही मजा होगा। जावा की भी अच्छी है यार, वो जो ब्लैक वाली देखी है वो बुलेट की तरह लग रही थी और देख के अच्छा भी लगा। और बाकी जितने भी ब्रांड हैं, ब्रांड सारे जो हैं वो वहाँ पे हैं, और मैकडोनल्ड खाने पीने के लिहाज से भी बेहतरीन है सारा कुछ वहाँ पे, और मूवी के हिसाब से भी, बच्चों के हिसाब से भी, तकरीबन मैं कहता हूँ कि हर चीज के लिहाज से बड़ा जो है वो एक कह लेंगे खुलम डुल्ला जो माहौल होता है ना वो है वो। और दूसरा पार्किंग का भी मसला नहीं है, खुली जगह है पार्किंग के लिए भी, और वो भी टेंशन नहीं है, ठंडी है बाहर भाई, ठंडी है और ठंडी में जो है वो बहुत अच्छी। और उस वक्त जब हंस रहे थे वो ये इसलिए हंस रहे थे कि बाद वाली गल पहला करें करो। तो बाहर ये है कि मजा आया जी वीडियो देख के और एंजॉय किया है वीडियो को। बिल्कुल जी, सेल्फी पॉइंट भी बाहर से बहुत जबरदस्त लग रहा था, वहां पे सेल्फियां लोग लेते हैं और वो पीछे बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है। और देखा जाए अंदर से शॉपिंग सफाई सुथराई तो हर शॉपिंग मॉल में अच्छी होती है, यहाँ भी सफाई की जो है सूरत हाल देखी गई बहुत जबरदस्त थी। और हर इससे भी बड़ी बात यह है कि मतलब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो सारे इसके अंदर है, और जो भी कोई मतलब जैसे भी मतलब हाई क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो आए, उनके लिए एक हर चीज मुयसर होगी। हाई क्वालिटी वाले लोग, तुम ब्लॉगर की तरह बनते जा रहे हो। होते हैं ऐसे जो मतलब जो हर चीज मतलब कुछ लोग अभी मैकडोनल्ड को ज्यादा लाइक करते हैं खाने के लिए, कुछ लोग जो है ना दूसरा KFC भी लाइक करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये यहाँ बैठना पसंद करते हैं, उनकी एक तो
जो है ना, मतलब हर चीज से बेहतर होता है। वैसे बैठने के लिए भी जगह बहुत जबरदस्त होती है, और दूसरा उनका प्रोडक्ट भी आपको पता है पूरी दुनिया में सेम ही मतलब प्रोडक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए फिर जितने भी मतलब हाई क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो ऐसी जगह पे जो है ना आना, और अमीर लोग जिनके पास पैसा हो, हमारे पास भी पैसा हो तो हम भी वो जाएंगे वहां पे। और हाई क्वालिटी तो सब में क्वालिटियां होती हैं, गरीब में भी क्वालिटियां होती हैं हाई क्वालिटी के लिहाज से, वो सिर्फ एक पैसे की क्वालिटी सिर्फ ज्यादा होती है बस। चलो बोल लेंगे ये भी है, बाकी देखा जाए तो क्लासी लोग। हाँ, बाकी देखा जाए तो जो जो सीढ़ियों वाला इंतजाम है ये यहाँ बेहतर है ना, होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता ये मतलब दूसरा भी होती है उन्होंने रखी होती है मंजिल के ऊपर, तो ये मतलब मेरे ख्याल 5 या 6 जो है ना इसके माला थे, तो जिसकी वजह से उसके लिए आना जाना प्रॉब्लम तो बनती थी, तो इसलिए ये जबरदस्त है। और बाकी देखा जाए मतलब इसमें ये होता है कि ये शॉपिंग मॉल होते हैं यहाँ पे ज्यादा बेस्ट होता है कि हर चीज एक छत के नीचे मिल जाती है, ये भी इनकी खसूसियात होती है, और काफी जबरदस्त प्लॉट वाला है, बाकी मजा आया देख के वीडियो। अच्छा व्लॉग था जी, अच्छा क्रिएट किया नो डाउट, और सबसे खूबसूरत चीज जो लगी बीच में वो यही थी कि 2013 का बना हुआ है, और सफाई देख लें, अब फ्लोर जो लश लश कर रहा था, और उसके बाद मैंने जितना भी इंटीरियर देखा है अंदर लगा हुआ, तो उनका पर्सनल मॉल में यूज हुआ है पहले लगा हुआ, वो कितना साफ सुथरा है और वेल मेंटेन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्लाजा यहाँ पे छोटे मोटे मॉल्स बने हैं, वो गेगा मॉल जिसका नाम हम सुनते हैं, आपने भी शायद सुना हो, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे फोटोज बड़ी अच्छी नजर आएंगी, लेकिन इनसाइड जो है वो बड़ा बुरा हाल है उनका, और लोगों ने जगह जगह से खराब किया हुआ है, डस्टबिन बनी हुई है, और गांधी जी ने बाहर फेंका हुआ है, जो उन्होंने अमला रखा हुआ है उन्होंने जो कपड़े पहने हुए यकीन माने उनको ही देख के ना बंदे को ना वो अजीब सा फील होता है, तो किस तरह बंदा अंदर आके एक लीड क्लास कर ले, वो बंदा जैसे सर्वाइव कर रहा है अपनी नॉर्मल लाइफ में, अंदर आके कैसा फील करेगा वो, फिर एक बार आएगा दूसरी बार नहीं आएगा। तो यही चीज है, इन्होंने जिस तरह उसको मैं कहूँगा मेंटेन किया हुआ है, और जितना भी अमला था अंदर मुझे कोई खास उनमें वो चीज नजर नहीं आई कि लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ, वो है ना नॉर्मल वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपने हिसाब से खड़े थे, सिंपल एज दैट, आवाम घूम रही है एंजॉय कर रही है, हर अच्छा पॉइंट वहाँ पे मौजूद है, खाने का, शॉपिंग का, और एंटरटेनमेंट की पूरी सहूलत है, आप जो भी आपका मन करता है। तो ये एक बिजनेस डील होती है, किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि आप फैमिली के साथ गए हैं तो बच्चों ने तो खेलने ही खेलना है, उनको आरे लगाना है आपने कहीं ना कहीं कि वो लग जाए और हम थोड़ी सी अपनी एंटरटेनमेंट कर लें या खा पी लें, तो वो भी साथ होता है। उसके बाद सेल्फी वगैरह और मतलब खरीदने का जो काम है, कपड़े वगैरह ये वो, तो बच्चे कहीं पे भी इंटर होंगे तो वो खिलौने देखेंगे या कपड़े देखेंगे, तो वो फिर खरीदारी तो ज़रूर करेंगे। तो ये अच्छा लगा कि इंडियन ब्रांड्स को भी प्रमोट किया जा रहा है इसमें, और जैसे बाइक्स थी नो डाउट उसमें कोई शक नहीं, हमने ट्रेलर में स्टार्टिंग में हाईलाइट जो आई थी उसमें देख के मुझे लग रहा था यार, मुझे लगा रॉयल इनफील्ड होगी, लेकिन ये एक नई ब्रांड और एक और नया नाम, लेकिन यह कि मिलती जुलती थी, और हम वहाँ पे होते तो अभी तक पता नहीं कितनी तस्वीरें उसके साथ लेते, पूरा व्लॉग बना देते उसके ऊपर कि इसमें ये लगा हुआ है, इसमें ये है, लेकिन वही होता है तो पाकिस्तानी भाई, लेकिन उन्होंने इतना ओवरऑल, क्योंकि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा देखने को होना तो फिर बंदा एक चीज़ पे फोकस नहीं करता। व्लॉग अच्छा था और मज़ा आया, और भाई की लैंग्वेज जो है वो गड़बड़ा जाती है, तो पाकिस्तानी जो है, और तो सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे वो कीमतें देख के ना, वो बहुत अच्छी कीमतें थी, मुनासिब कीमतें थी, वो जो कहते हैं ना कि वहाँ पे अगर जितनी तनख्वाह यहाँ पे मिलती है अगर इधर भी इतनी ही चीजें सस्ती हों तो हम भी चले जाएं वहाँ पे, तो ऐसे काफी ज्यादा महंगे तो नहीं है यार। कॉफी का कप हमने जेलों में पिया था अपनी सिटी में, और मेरे हाथ में चाय खाना पिया था ना, चाय खाना भी नहीं पिया था, वो क्या नाम था उसका, नाम नहीं जेब में आ रहा, 650 का मिलेगा, चाय खाना ही था शायद, चाय खाना था यार। और जवाब भाई का हाँ, चाय खाना वो जो CNG के साथ है, बिल्कुल चाय खाने वो बड़ी महंगी एक्सपेंसिव भाई, पता नहीं कितना कप था, 650 रुपए का उस वक्त हमने पिया, माय गॉड। और यार यहाँ पे आइसक्रीम देखी है 100 रुपए की, 85 रुपए की, यहाँ पे आइसक्रीम आप लेंगे जाके तो तकरीबन 700-800 रुपए की मिलेगी ये वाली, एक्सपेंसिव बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। ब्लॉग जबरदस्त बनाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज का मसला है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, तो ये चीजें होती हैं।
लेकिन ये है ये भी एक फन है, बिल्कुल फन है और फनी चीज हो जाती है बीच में। करते हैं जितना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक्सप्लेन भी करते हैं और हमें भी समझ आ जाती है, आप लोगों को भी समझ आ जाती है जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लक्ज़री माल है जी, बहुत जबरदस्त माल है, हर चीज हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है और बच्चों के लिए एंटरटेन की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए भी काफी सारी फैसिलिटीज हैं और आने वाले टाइम में जैसा कि इंडिया डेवलपिंग कर रहा है, इंडिया बिल्डिंग्स लाइन में भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, आने वाले टाइम में जैसे लोग दुबई विजिट करते हैं, आने वाले टाइम में बहुत से कंट्रियों के लोग इंडिया को विजिट किया करेंगे। यार आपने भी किया होगा दुबई का, आप देख ले माल बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, बिल्कुल हम वो नहीं कह रहे लेकिन ये कि उस क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी बेहतरीन है। दुबई में भी जो बहुत बड़ा माल है लुलु मार्केट है या लुलु माल है, वो इंडिया नहीं है, वो इंडिया नहीं होना है, बिल्कुल जबरदस्त जी। और इसका मैं ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है इसका जी। मजा आया देख के, एंजॉय किया, बाइक का ब्लॉग बहुत अच्छा था, जबरदस्त था और लैंग्वेज हमारे जैसी है, नो डाउट हम एंजॉय करते हैं इसको, मजाक कर रहे थे हम, इसलिए तो हंसते हैं हम, तो जबरदस्त। और कहीं ना कहीं नदीम भाई की याद आ जाती है। खैर मजा आया देख के, एंजॉय किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।